हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। एक वक्त पर टीवी की नंबर वन एक्ट्रेस रही श्वेता तिवारी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच लगातार कहासुनी चल रही है, लेकिन ये मामला तब और बढ़ गया जब श्वेता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक सीसीटीवी फुटेज साझा कर दिया। इस फुटेज में अभिनव श्वेता से उनके बेटे रियांश को छीनते हुए दिख रही हैं और श्वेता को मारते हुए धक्का दे रही हैं। इस फुटेज को देखने के बाद कई सेलेब्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं और अभिनव कोहली की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने कमेंट करते हुए दुख जताया तो कुछ ने अभिनव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुंबई पुलिस को टैग किया। एकता कपूर ने लिखा, इस आदमी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो वहीं करणवीर बोहरा ने कमेंट करते हुए लिखा, मॉमी कृपया तुरंत केस फाइल करें, ये हैवानियत है और मैं इसे नहीं देख सकता। मैं सोच सकता हूं कि तुम कैसे इससे गुजर रही हो, कृपया इसे अपनी जिंदगी से निकालो। वहीं एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित ने लिखा, मजबूत बनी रहो श्वेता, एक माँ को हमेशा पता होता है कि उसके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है। बता दें श्वेता तिवारी ने जो सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है उसमें उनके पति अभिनव कोहली उन्हें धक्का देकर गिराते हुए और उनसे बेटे को छीनते हुए दिख रहे हैं। श्वेता ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अब सच सामने आने दो, लेकिन ये मेरे अकाउंट पर हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, मैं अंत में इसे हटा दूंगी। मैं सच को साबित करने के लिए अभी ये पोस्ट कर रही हूँ, यही वजह है कि मेरा बच्चा उससे डर गया है। इस घटना के बाद मेरा बच्चा एक महीने से ज्यादा समय तक डर गया था। वो इतना डर गया था कि वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसका हाथ दो सप्ताह से अधिक समय तक चोटिल था। अब भी वो अपने पापा के घर आने या उनसे मिलने से डरता है। मैं अपने बच्चे को इस मानसिक आघात से गुजरने नहीं दे सकती। मैं अपने बेटे को शांत और खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये खतरनाक आदमी मुझे चैन से जीने नहीं देता और मेरे बच्चे को दुख पहुंचाना चाहता है। अगर ये शारीरिक शोषण नहीं है तो क्या है? ये मेरी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज है। बाबा ऐसे मान डरो ना दीदी, ऐसे मान डरो, दीदी है ना, दीदी है, दीदी है बच्चे। मान डरो बच्चू, माय गॉड यार। बताते चले ये तब शुरू हुआ जब अभिनव ने श्वेता पर आरोप लगाया था कि वो उनके बेटे रियांश को अकेला छोड़कर खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के लिए विदेश जा रही हैं। श्वेता ने पलटवार करते हुए कहा कि वो बेटे की परवरिश के लिए एक पैसा नहीं देते हैं। श्वेता तिवारी अपने बेटे रियांश और बेटी पलक के साथ अलग रहती हैं, लेकिन श्वेता और अभिनव के बीच रियांश की परवरिश को लेकर झगड़े होते रहते हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे मान डरो, दीदी है ना, दीदी है, दीदी है बच्चे। मान डरो बच्चू, माय गॉड यार। No, he's fucking crazy.